नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया और उनसे बड़ी तादाद में चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। जिला पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा करते हुए बताया गया है कि पलवल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार की टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना उटावड़ क्षेत्र से 9 सितंबर को चोरी की गई मोटरसाइकिल के आरोप में चोर को दुर्गापुर KMP पुल के नीचे से नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी पहचान आशिक उर्फ डिग्गी पुत्र ताहिर निवासी उटावड़ जिला पलवल के रूप में हुई थी। आरोपी को पेश अदालत कर 2 दिन के रिमांड पर लेकर आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 3 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी ने गहन पूछताछ में बताया कि वो चोरी की वारदातों को आकाश पुत्र परशुराम निवासी गांव दुधोला जिला पलवल के साथ मिलकर अंजाम देता था, जिस पर आरोपी आकाश को GH मोड़ से गिरफ्तार किया गया। इससे थाना गतपुरी में 4 और थाना शहर पलवल में दर्ज एक चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद एवं पलवल में 7 अन्य मामले चोरी और अवैध हथियार रखने के अलग अलग थानों में दर्ज होने पाए गए। आरोपी से चोरी के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में 15 चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथी राहुल पुत्र दीपक निवासी खजूरी खास दिल्ली का वारदात में साथ होना बताया, जैसे टोल टैक्स गदपुरी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दिल्ली से हाल ही में चोरी की गई करीब 2 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। पलवल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। डीएसपी 3 आरोपी पकड़े हैं, बाइक भी बरामद हुई है। कहाँ के हैं ये आरोपी और पलवल में कितने इन पर मामले हैं, कितना इनसे बाइक बरामद हुई, कौन कौन है इस गिरोह में? देखिए, पुलिस अधीक्षक पलवल श्री राजेश दुग्गल जी की जो नेतृत्व में समय समय पर जो वाहन चोरी है उस पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग की जाती है और जिसके फलस्वरूप जो स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ है उसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश ने दुर्गापुर रोड पर नाका लगा रखा था और दौरान नाकाबंदी उन्होंने एक व्यक्ति को राउंड अप किया जिसका नाम आशिक सरनोफ ताहिर है, जिसके कब्जे से 3 बाइक बरामद हुई है। उस ताहिर आशिक का जो पुलिस रिमांड लिया गया उसने 2 अन्य व्यक्तियों का नाम बताया है, जिसमें एक का नाम आकाश सरनोफ परशुराम जो कि दुधोला पलवल का रहने वाला है, उसके कब्जे से भी 11 बाइक बरामद हुई है और एक अन्य व्यक्ति राहुल सरनोफ दीपक जो खजूरी खास दिल्ली का रहने वाला है उसके कब्जे से भी 1 बाइक बरामद की। पलवल में कितने मुकदमे दर्ज हैं इन पर और कोई अन्य बाइक भी इससे बरामद हो सकती है, कुछ रिमांड लिया जाएगा इनका? ये अनुसंधान के दौरान ये पाया कि जो आकाश है इसके खिलाफ कुल 12 मुकदमे हैं और इनमें से 5 जो बाइक हैं वो पलवल में अन्य अलग अलग थानों से चोरी की गई है। रिमांड लिया जाएगा इनसे ताकि और कोई बरामदगी हो? जी हाँ, इसमें जो आशिक है उसका 2 दिन का रिमांड लिया जा चुका है और इसके अलावा जो आकाश और राहुल है उनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पेश करने उपरांत उनका रिमांड लिया जाएगा। टोटल कितनी बाइक होगी इनसे सर? टोटल ये 15 बाइक रिकवर की है। 3 है जो आशिक से की है और आकाश से 11 बाइक की है और जो राहुल है उससे 1 बाइक बरामद की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।